चुनाव के दौरान पुलिस चुनाव में शांति बनाए रखने में व्यस्त रही, लेकिन इस दौरान प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ीं। हम आपको एक आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान दहेज हत्या से लेकर बलात्कार तक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की रणनीति ने खास काम नहीं किया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, चुनाव करवाने में व्यस्त रही प्रदेश की पुलिस और अपराधी देते रहे वारदातों को अंजाम। लोकसभा चुनाव तो पुलिस ने शांतिपूर्वक करवा दिए, लेकिन इस दौरान महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई। महिलाओं की दहेज के लिए हत्याएं कर दी गई। सिर्फ महिलाएं असुरक्षित नहीं बल्कि पूरा प्रदेश असुरक्षित था। प्रदेश में हत्याएं बढ़ी, अपहरण के मामले बढ़ गए, लूट की घटनाएं बढ़ गई, यानी कि सभी तरह के अपराध बढ़ते हुए नजर आए। प्रदेश में इस साल अप्रैल महीने में हत्या, लूट, डकैती जैसे मामलों में इजाफा हो गया है और इसकी साफ वजह है प्रदेश की पुलिस का चुनाव में व्यस्त होना। महिला अपराधों की अगर बात करें तो अप्रैल महीने में 126 महिलाओं की दहेज हत्या की गई, जो पिछले साल से 15.60% ज्यादा है। 1509 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई। सिर्फ अप्रैल महीने में 1944 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। सिर्फ अप्रैल महीने में 1706 महिलाओं के अपहरण किए गए। ये आंकड़े अपने आप में हैरान और परेशान करने वाले हैं। यानी एक तरफ प्रदेश की पुलिस नेताओं की सभा में व्यस्त रही, चुनावी ड्यूटी करती रही, तो दूसरी तरफ अपराधों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। दहेज हत्या के मामलों में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दहेज आत्महत्या में 13.33% मामलों में इजाफा हुआ। महिला उत्पीड़न के 15.01% मामलों में बढ़ोतरी की गई। बलात्कार की घटनाओं में 30% का इजाफा हो गया। छेड़छाड़ के मामलों में 14.07% की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के अपहरण के मामलों में 19.70% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े साफ कहते हैं कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले काफी बढ़े हैं। हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, चोरी की घटनाओं में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल महीने में प्रदेश में 131 हत्या के मामले सामने आए, वहीं 148 हत्या के प्रयास के मामले देखने को मिले। प्रदेश में इस दौरान 4 डकैतियां हुई, 84 लूट के मामले सामने आए। प्रदेश में 607 लोगों के अपहरण हुए। चोरों ने 2791 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। अप्रैल महीने के आंकड़े साफ कर देते हैं कि चुनाव के दौरान पुलिस की व्यस्तता का अपराधियों ने किस तरह से फायदा उठाया है। पुलिस भी कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर पाई जिससे चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ प्रदेश को भी सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे में पुलिस को एक नए सिरे से काम करते हुए महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने की जरूरत है, जिससे महिलाएं बिना खौफ के घर से बाहर निकल सके। इन लोकसभा चुनाव से पुलिस को सबक लेना होगा कि पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ लोकसभा चुनाव सही ढंग से संपन्न करवाना नहीं बल्कि प्रदेश में अपराध को कम करना भी है। आगे भविष्य में किसी भी तरह के चुनाव होते हैं तो पुलिस को दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा, जिससे कि आम जन में पुलिस के लिए विश्वास कायम रह सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर।